हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज ये कैसा न्यूज़ आ गया झारखंड पॉलिटेक्निक को लेकर के। झारखंड पॉलिटेक्निक की तरफ से कैसा न्यूज़ आ गया कि बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ आ गया है। ठीक है, क्या न्यूज़ है, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। अब तो ये लगभग तय कर दिया झारखंड पॉलिटेक्निक ने, जो नोटिस जारी किया उन्होंने कि आपको कुछ चीज़ें करनी है, तो इससे तय हो गया है कि भाई अब एग्ज़ाम नहीं होगा आपका, मेरिट बेस पर एग्ज़ाम आपका, सॉरी एडमिशन आपका हो जाएगा। यानी कि जो भी बच्चे आज तक मेहनत किए उनके लिए भी थोड़ी सी दुख की खबर है, और एक एजुकेटर के लिए हमारे लिए भी दुख की खबर है कि हम लोग इतना मेहनत करके सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ा रहे थे और लास्ट में उन्होंने जाकर के बोल दिया कि अभी एग्ज़ाम होगा ही नहीं, मेरिट बेस पे एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना, मैं बताऊंगा कितने परसेंट अगर आपके हैं तो चांसेज हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, कितने परसेंटेज हैं आपके टेंथ में, तो आप रेस में हैं, और क्या क्या चीज़ें आपको अपलोड करनी है, क्या क्या चीज़ें साइट पर जा करके मेंटेन करनी है आपको, जो भी इन्फॉर्मेशन आया झारखंड पॉलिटेक्निक की तरफ से, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देखना। पहली चीज़ कि झारखंड ने ये साफ कर दिया है कि जो टेंथ लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, जो टेंथ लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है उसका एग्ज़ाम नहीं होगा। यानी कि आपका जो दाखिला होगा, कॉलेज में एडमिशन होगा, वो मेरिट बेस पर हो जाएगा। टेंथ लेवल का जो एग्ज़ाम है उसकी बात कर रहा हूँ, लेटरल इंटेक कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। ठीक है, तो बिल्कुल भी क्या करना, आपको वहाँ से कुछ नोटिस आई उसके बारे में बता देता हूँ। आप 28 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक आप क्या करेंगे, जो भी आपको लग रहा है कि फॉर्म में गलती है, जो भी फॉर्म आपने जल्दी में भरा होगा उस समय, जो भी त्रुटि है उसको एडिट कर सकते हैं। कब से, 28 तारीख से जा करके कब तक, 7 अक्टूबर तक, यानी कि 28 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर 2020 तक आप क्या करेंगे, जो भी त्रुटि है उसके पहले 7 से पहले क्या करना है, या 7 तक हमें क्या करना है, पूरा सही करवाना है। यानी कि अपना नाम चेक कर लेना, आपको जाकर के कैटेगरी चेक कर लेना है, ठीक है, नाम चेक करना है, कैटेगरी चेक करना है, फादर नेम चेक करना है, और जिन बच्चों का भी जो मार्क्स अपना टेंथ का अपलोड नहीं किए थे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कई बच्चों का भी रिजल्ट ना आया हो, तो जाकर के पूरा अच्छे से मार्क्स वगैरह अपना एडिट कर देना, मतलब जो भी पूरा अपलोड कर देना, यानी कि टेंथ का मार्क्स तो जरूर होना चाहिए। और उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि क्लास टेंथ का मार्कशीट का फ़ोटो आपको अपलोड करना है। ठीक है, टेंथ का मार्कशीट आपको क्या करना है, अपलोड करना है। इन्होंने इतना तो बोल दिया कि टेंथ का मार्कशीट अपलोड करना है, जिससे ये पता चल रहा है कि भाई टेंथ के मेरिट पर इन्होंने इनको एडमिशन लेना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 28 तारीख से लेकर के 7 अक्टूबर तक आपको टाइम दिया गया, जो भी आपको एडिटिंग करनी है अपने नेम में, कैटेगरी में, मार्कशीट में, जो भी चीज़ करनी है उसको कंप्लीट करना है, सही करना है, क्योंकि किसी बेस पे एडमिशन होने वाला है। दूसरी चीज़ कि आपको टेंथ की मार्कशीट भी क्या करनी है, अपलोड करनी है। ठीक है, अब बातचीत कर लेते हैं कि कितने परसेंटेज हैं आपके टेंथ में, कितने परसेंटेज आपके टेंथ में तो आप सुरक्षित हैं, आपको मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेज हैं। तो देखो, मैं साफ साफ बताऊँ थोड़ा सा, तो इस बार बहुत कम बच्चों ने फॉर्म भी भरा था। ठीक है, बहुत कम बच्चों ने, मतलब हर साल का अपेक्षा थोड़ा कम ही भरा था। तो जो भी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न है 60% से ज़्यादा हैं, वो रेस में है, यानी कि हो सकता है कि उनका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। अब बात करेंगे 75 to 80 वाले की, बात करें 75 to 80 वाले की बात करें तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, 75 to 80% के जितने भी बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। लेकिन जो 60 वाले हैं, अब जो 60 से नीचे वाले, तो मतलब भूल ही जाएं, लगभग बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। ठीक है, लेकिन 60 से हैं और 60 से ऊपर हैं थोड़े से, तो कुछ चांसेज हैं कि हाँ रेस में है, मिल सकता है। बट जो 75 से ऊपर हैं, ठीक है, बट जो 75 से ऊपर हैं और सारी चीज़ें हैं, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बहुत चांसेज और मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही दुख भरी खबर है गवर्नमेंट की तरफ से, झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से। कोई बात नहीं, उनको एग्ज़ाम लेना चाहिए, लेकिन नहीं ले रहे हैं तो अब क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है,